here, double star mark. This is not only important for coding decoding side, but also important for machine input. हम बोलेंगे उस समय machine input में क्या इसका relation था, क्योंकि alphabet में अगर आपका grip एकदम से बढ़िया है, एकदम से unconsciously you have to memorize all the things. Opposite क्या है, उसके right में क्या है, back में क्या है, ये सारे positions value from the right, from the left, ये सारे जो है वो technically अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो फिर लॉजिक फाइंड आउट करने में थोड़ा इजी हो जाता है, चीजें थोड़ी हल्का हो जाता है. ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान देना है ऑपोजिट का मतलब क्या है. हम यहां पर रेफरेंस के लिए लिख दिए हैं, आपको यहां पे ध्यान देना है, वही पुराना चीज जो है उसी को लिख दिया गया है, लेकिन इसको बताने के लिए हमको टेक्नोलॉजी मतलब कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल तो इसको देख लीजिए एक बार. अगर ए को लेकर के जेड तक हम लेफ्ट से राइट के लिए लिखेंगे और फिर अगेन फ्रॉम ए टू जेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसका मतलब यह है वो अपने आप में एक एक कोड क्रिएट कर रहे हैं. देखिए ए जेड एक ऑपोजिट जेड है, बी का ऑपोजिट वाई है, और इसको लेकर के क्वेश्चन फॉर्मेशन कर दिया जाता है. ये सारे जो चीजें हम बता रहे हैं वो एक तरीके से टूल्स है, आपको समझना चाहिए. टूल्स का मतलब यह है छोटा छोटा टूल्स को लेकर के एक बड़ा क्वेश्चन बनाया जाता है. मान लीजिए आप डीआई पढ़ रहे हैं, कोई भी टीचर डीआई डायरेक्टली क्लास में जाके नहीं पढ़ाते हैं. क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स का सारे जो चीजें हैं, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ये सारे जो फंडामेंटल है ये सबको जानने के बाद जाकर के डीआई का चर्चा होता है, क्योंकि डीआई में सब कुछ एक साथ पूछने का ऑप्शन है. तो यहां पे ये सारे जो चीजें हम छोटा छोटा करके बता रहे हैं वो उस वो सबको मिला के एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना सकता है. तो इसीलिए इसको इग्नोर करके मत पढ़िए, इसको ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं. ए से लेकर के जेड तक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस प्रकार हम लिख दिए हैं. ठीक है, और ए से लेकर के जेड तक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दे ऑल आर क्रिएटिंग कोड बिटवीन देम. सी इज ऑपोजिट टू एक्स, डी इज ऑपोजिट टू डब्ल्यू, ई इज ऑपोजिट टू वी, F is U, ऐसा करके हम याद नहीं रखेंगे, ना ही इसको लेकर के एग्जाम हॉल में टेबल के ऊपर लिख देंगे, ऐसा नहीं करेंगे. हम कुछ वर्ड डिस्कशन करेंगे इसको ध्यान रखने के लिए, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जाए एक एग्जाम्पल, तो फिर वो एग्जाम्पल का डिजाइन क्या है देख लीजिए. मान लीजिए हम यहां पे लिखे हैं कैट, कैट इज कोडेड एज X Z G, ये तो सामने ही है, इसको जानने के लिए ज्यादा कुछ मतलब परेशानी नहीं है, क्योंकि C का जो रिलेशन है वो X में है, क्योंकि C X का ऑपोजिट है. C थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, X थर्ड फ्रॉम द राइट साइड, दैट्स व्हाई दे बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर. A का रिलेशन जो है वो Z में है, A इज फास्ट फ्रॉम द लेफ्ट, Z ऑफ कोर्स फास्ट फ्रॉम द राइट एंड, एंड हियर इट इज T इज ऑपोजिट टू G. ठीक है, तो यहां का जो रेफरेंस चल रहा है वो तो हमको मिल गया. हमको यहां पे जाना है रन. मान लीजिए सपोज वी हैव टू टेक, वी हैव टू डिकोड रन, इजी है, क्या है इसमें, ज्यादा कुछ है नहीं. सी का कोड जो है वो एक्स में है, इसका मतलब आर का कोड डिजाइन होना चाहिए. आर का ऑपोजिट क्या है देख लीजिए, आर का ऑपोजिट है आई, यहां पर हम आई लिख देंगे. यू का ऑपोजिट क्या है, यू का ऑपोजिट है एफ, और यू का ऑपोजिट हम यहां पर एफ लिख देंगे. N का ऑपोजिट ऑफकोर्स M है, और इसको हम चर्चा करेंगे, M है, इसको कैसे याद रखेंगे इसको हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशंस है नहीं. किस पोजीशन में किसको ऑपोजिट कर दिया जाएगा, कहां पे इसको रखा जाएगा, वो सारे एक अनलिमिटेड थिंग्स है, वो जितना ब्रेन है उतना लॉजिक है, इसलिए वी कैन नॉट लिमिट इट आउट. सो वी हैव टू मेक आवर सेल्फ एक्सपर्टाइज टू क्रैक द लॉजिक्स ओनली. तो यहां पे हम जाएंगे इसका क्या टूल्स है और किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं. ठीक है, यहां पे देख लीजिए नेक्स्ट स्लाइड में, यहां पे हम क्या कर रहे हैं थोड़ा देखिए. वो जो सारे ऑपोजिट्स थे उसको अगर हम कुछ वर्ड्स में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना इजी हो जाएगा. देखिए ए जेड ए डी और ये सारे वर्ड्स जो है वो फ्रेंड्स आप लोगों के दिमाग में ऑलरेडी है,
अब आपको कुछ नया करने के लिए सलाह नहीं दिया जा रहा है, ये वर्ड आपके दिमाग में ऑलरेडी है, इसको सिर्फ और एक बार रिफ्रेश करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि हम वो सारे जो ऑपोजिट लेटर्स हैं उसको हम कैसे अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में इसको यूज कर सकते हैं, यही इंटेंशन है, बाकी कुछ नहीं है। ए ऑपोजिट इज जेड एंड यू हैव टू नोट इट डाउन ऑल दिस वर्ड्स, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे लिख रहे हैं हम देखिए, ए और जेड जो है ऑपोजिट है और वो दोनों कैपिटल लेटर में लिखा गया है, ठीक है। आई रिपीट, बोथ आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स। एंड नाउ बी इज ऑपोजिट टू वाई, सो आई हैव पिक द वर्ड बॉय। कितना इजी है बताइए, बॉय जो वर्ड है वो हमारे दिमाग में ऑलरेडी है, काफी हम यूज कर चुके हैं वर्ड को, और अभी इस वर्ड को कुछ पर्पस में यूज किया जा रहा है। बी इज ऑपोजिट टू वाई एंड वाई इज ऑपोजिट टू बी। देन सी, सी आर यू एक्स, क्रॉक्स, सी इज ऑपोजिट टू एक्स एंड एक्स इज ऑपोजिट टू सी। अगर आपको क्रॉक्स का जो वर्ड है वो टफ लग रहा है तो फिर यू कैन पिक एनी अदर वर्ड, बट बोथ आर शुड बी देयर, इट मींस सी एंड एक्स शुड बी देयर इन दैट वर्ड, अनलेस दैट वर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रिक्स। सी डी ई, ड्यू, माउंटेन ड्यू, ड्यू, डी इज ऑपोजिट टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज ऑपोजिट टू डी। देन ई, evil returns, evil spirit you can say, here it is, E is opposite to V and V is opposite to E, this is very silly techniques hai boy, mujhe acha laga ye, mera jo sir the wo isko humko bataye the ki taki koi bhi word agar aapke dimag mein hai usko aap use kar sakte hain is hisab se, theek hai। to yahan pe F le lenge, F E F F U L L, full, F is opposite to U and U is opposite to F, E F G T road, I have picked GT road, you can pick any other one, but that should be consisted of G and T as because of we need to make them opposite. हमारा अलग सा कुछ इंतजाम नहीं है, मतलब हम ये बोल रहे हैं हम यहाँ पे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे, हमको चाहिए वो दोनों opposite होना चाहिए, इसीलिए हम ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उसको पिक किए हैं। G E F G then H, हाई स्कूल, और यहां पे ऑपोजिट हो चुके हैं बिल्कुल से, एच एस, दे बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, एच एस, हाई स्कूल इज अ फ्रेज, फ्रॉम हाई स्कूल, ये कुछ नया चीज नहीं है, हाई स्कूल से हम एच और एस को ऑपोजिट ले सकते, इसका इंपोर्टेंस आपको रियलाइज होगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी इसका इंपोर्टेंस रियलाइज नहीं होगा क्योंकि हम डायरेक्टली बता रहे हैं, जब ये चीजें एग्जाम में और कोई क्वेश्चन में यूज होगा तब जाकर के इसका इंपोर्टेंस आपको रियलाइज होगा। High school, G H I, here it is friends, Indian Railway, Indian Railway, I is opposite to R and R is opposite to I, और Indian Railway हमारे लिए कुछ नया चीज नहीं है। G H I J, Jungle Queen, J is opposite to Q and Q is opposite to J, अगर ये एकदम से आपके दिमाग में रह गया तो फिर ये वर्ड भी कहीं ना कहीं आपको अननेसेसरी लगने लगेगा, लेकिन हम बिगनर हैं इसीलिए कुछ ट्रिक्स ये सबका हम हेल्प ले रहे हैं। जी एच आई जे के, हियर इट इज, आई हैव पिक्ड केविन पीटरसन, दैट पर्सन इज माय फेवरेट बैट्समैन फ्रॉम इंग्लैंड साइड, इंग्लैंड क्रिकेट टीम, लेकिन आप कुछ दूसरा भी ले सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं है के पी मतलब केविन पीटरसन ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, तो आप यहां पे कुछ भी ले सकते हैं लेकिन के पी वहां पे रहना चाहिए। क्रुणाल पांड्या ले लीजिए, किरण पोलार्ड ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, फिल्म का नाम है पिके वो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्टीमेट इंटेंशन इज टू मेक पी एंड के बोथ मस्ट बी देयर, अदरवाइज दिस पॉइंट इज जस्ट इनवैलिड। जे के एल, ये दुनिया का सबसे इजी वर्ड है, लव, आप सबको पता होगा। एल ओ, एल इज ऑपोजिट टू ओ, ओ इज ऑपोजिट टू एल, वेरी सिंपल वर्ड दिस इज। एंड लास्ट वन इज फ्रेंड्स मैन, ये सारे जो चीजें यहां पे आए हैं वो सारे हमको हेल्प करेंगे ऑपोजिट लेटर को डिटेक्ट करने के लिए।
एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेंगे और इसको यूज करेंगे और खत्म करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम प्लान करेंगे. दैट मे बी अ मीनिंगफुल वर्ड, दैट मे नॉट बी. इरेजिंग में ये ढूंढना जरूरी नहीं है. सर पुल ऐसा कुछ वर्ड नहीं है. नहीं, हमको भी पता है लेकिन हम इंटेंशनली दिए हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रामर सही होना चाहिए रीजनिंग में. ओके, अल्टीमेट इंटेंशन इज टू फाइंड आउट द लॉजिक. यहाँ पे हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, ग्रामर चेक करना जरूरी है, हैंड राइटिंग चेक करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है. तो हो सकता है ऐसा वर्ड कुछ नहीं है लेकिन हम यहाँ पे लिख लिए हैं. तो लॉजिक यहाँ पे ढूंढना चाहिए. आर का रिलेशन जो है वो आई में है. इंडियन रेलवे मुझे दिखाई दे रहा है. एविल स्पिरिट, अगर ये सारे वर्ड्स मेरे साथ हैं तो फिर हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं. लव एंड फूल वो सारे ऐसे क्रिस क्रॉस होकर के डिजाइन हुआ है. सो पी केविन पीटरसन, एविल स्पिरिट, यहाँ पे लव, यहाँ पे फूल. आंसर आ गया वी ओ एफ के. और ये सारे जो कहानी है वो ऑपोजिट लेटर के लिए था. ऑपोजिट लेटर आपको मार्क करना है और इसका जिक्र हम मशीन इनपुट में भी करेंगे. और ये सारे वर्ड्स आज आपको ध्यान रखना है कैसे भी करके. इसको बिल्कुल से कैजुअल नहीं लेना है. इसको हम कैसे भी करके दिमाग में स्टोर करना है. वो पहले से है, इसको और एक बार जस्ट रिफ्रेश करना है. नोट कर लीजिए इसको, नहीं तो फिर एक फोटो रख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका हो जाएगा. ये सारे वर्ड्स हमको हेल्प करेंगे ऑपोजिट लेटर कोडिंग सिस्टम और ऑपोजिट का सेंस जो है वो डिटरमिन करने के लिए. दिस इज ऑल अबाउट ऑपोजिट लेटर कोडिंग सिस्टम. दैट मे बी अ मीनिंगफुल वर्ड, दैट मे नॉट बी. इरेजिंग में ये ढूंढना जरूरी नहीं है. सर पुल ऐसा कुछ वर्ड नहीं है. नहीं, हमको भी पता है लेकिन हम इंटेंशनली दिए हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रामर सही होना चाहिए रीजनिंग में. ओके, अल्टीमेट इंटेंशन इज टू फाइंड आउट द लॉजिक. यहाँ पे हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, ग्रामर चेक करना जरूरी है, हैंड राइटिंग चेक करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है. तो हो सकता है ऐसा वर्ड कुछ नहीं है लेकिन हम यहाँ पे लिख लिए हैं. तो लॉजिक यहाँ पे ढूंढना चाहिए. आर का रिलेशन जो है वो आई में है. इंडियन रेलवे मुझे दिखाई दे रहा है. एविल स्पिरिट, अगर ये सारे वर्ड्स मेरे साथ हैं तो फिर हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं. लव एंड फूल वो सारे ऐसे क्रिस क्रॉस होकर के डिजाइन हुआ है. सो पी केविन पीटरसन, एविल स्पिरिट, यहाँ पे लव, यहाँ पे फूल. आंसर आ गया वी ओ एफ के. और ये सारे जो कहानी है वो ऑपोजिट लेटर के लिए था. ऑपोजिट लेटर आपको मार्क करना है और इसका जिक्र हम मशीन इनपुट में भी करेंगे. और ये सारे वर्ड्स आज आपको ध्यान रखना है कैसे भी करके. इसको बिल्कुल से कैजुअल नहीं लेना है. इसको हम कैसे भी करके दिमाग में स्टोर करना है. वो पहले से है, इसको और एक बार जस्ट रिफ्रेश करना है. नोट कर लीजिए इसको, नहीं तो फिर एक फोटो रख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका हो जाएगा. ये सारे वर्ड्स हमको हेल्प करेंगे ऑपोजिट लेटर कोडिंग सिस्टम और ऑपोजिट का सेंस जो है वो डिटरमिन करने के लिए. दिस इज ऑल अबाउट ऑपोजिट लेटर कोडिंग सिस्टम.